ये ऑरा स्कैनर जो है, कौन सा आदमी कितनी पॉजिटिविटी लेकर बैठा है ये तो बताता है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि वो आदमी जीवित है या मर गया है। आपके पास कभी कभार ऐसे जातक भी आते होंगे जो ये कहते होंगे कि ये फोटो देख लो जी और बताइए आप हमारे को, या ये कुंडली है और आप बताइए कि अब ये सर्विस करेगा या इसकी शादी कब होगी, और एक्चुअल में वो आदमी मर चुका है। आपके पास ट्राई के लिए आया है, वो टेस्ट करने के लिए आया है आपके पास, तो आप क्या करोगे? आप उसकी जन्मपत्री में देख करके उसका डेथ टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारे ऑरा स्कैनर के थ्रू आप ये कंफर्म कर सकते हो कि वो आदमी जीवित है या मर गया। करना कुछ नहीं है आपको। जी तो वहाँ पर ये तो बात विचारों में मन में आ ही नहीं सकता कि आदमी इसके डेथ भी हो चुकी होगी। सर वो आप जन्मपत्री देखकर कर सकते हैं ना अगर, लेकिन आपने पॉजिटिव का सैंपल लगाया उसका, जो हमारा सिस्टम है काम करने का इसमें, कि पहले आप पॉजिटिविटी चेक करोगे फिर नेगेटिविटी चेक करोगे, तो पॉजिटिव के सैंपल में आपको पता चल जाएगा आदमी मरा हुआ है, तो चैप्टर तो वहीं क्लोज हो गया। ये पॉसिबल है। ये देखो, ये एक सज्जन है जो एक्सपायर हो चुके हैं, मैं नहीं जानता कौन है, आज की अखबार है ये, और हमने पॉजिटिव का सैंपल लगाया। अब इनकी पॉजिटिविटी हम चेक करेंगे कि कितने परसेंट पॉजिटिव है ये बंदा, 70% है, 80% है, 20% है। फोटो के स्कैनिंग के लिए भी यही सेम सिस्टम है जो हम ये यूज कर रहे हैं। ये दो डिवाइस आपको मिलेंगी, ये दोनों डिवाइस आपने फोटो के ऊपर रखनी है, दो वायर मिलेंगी आपको, वायर को एक आपने इधर लगाना है, एक इसमें होल है उसमें लगाना है। ये पॉजिटिव आपने सैंपल लगा रखा है जी, मशीन ऑन करी हमने, ये पॉजिटिव नहीं है, बंदा है ही नहीं। इसको कोई भी करेगा उसके पास ऐसा ही आएगा। और सर नेगेटिव का भी लगा रहा हूं सैंपल अभी इसी एक बार में। भैया ये न्यूज़पेपर उठा देना, ये सर तार के साथ जोड़ा आपने, फोटो स्कैनर डिवाइस कहते हैं हम, तो किस पे रखना है? फोटो के ऊपर। सर अगर बड़ी फोटो है तो पूरी आ जाएगी, लेकिन अगर छोटी फोटो है तो फिर आधी आधी आएगी, लेकिन आपको जो स्कैनिंग करनी है पोस्ट कार्ड साइज की अगर आप फोटो ले लें, इमेज ले लें, तो वो ज्यादा बेटर है। पॉजिटिव हमने देखा ये जीरो था, और नेगेटिव हम देख रहे हैं ये 100% आ गया। अब यही डिवाइस भाई साहब आप इस फोटो के ऊपर रखना, ये एक मॉडल की फोटो है, और नेगेटिव का हमने सैंपल लगा रखा है, और नेगेटिव के सैंपल को ही हम देख रहे हैं कि क्या ये नेगेटिव है या नहीं है। अब ये नेगेटिव की परसेंटेज आ गई हमारे पास कि उस लेडीज के अंदर नेगेटिविटी 10% 5% करीब है। वो पॉजिटिव लगाया था, पॉजिटिव में खुला नहीं था, नेगेटिव में 100% खुला। अब इस लेडीज के ऊपर मैं पॉजिटिव का सैंपल दोबारा लगा रहा हूं, जो एक मॉडल है, अभी ये देखिए सर पॉजिटिविटी चेक हो रही है इसकी, ये लगभग 50% करीब पॉजिटिविटी है इस लेडीज के अंदर। अब दोबारा से हम रीचेक करने के लिए ये डिवाइस को उठाया और डेड पर्सन के ऊपर रख दिया, पॉजिटिव का सैंपल लगा हुआ है, पॉजिटिव ने जीरो रिजल्ट दिया। अच्छा, जी इससे हम पॉजिटिव हम ये भी मान सकते हैं कि एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, कुछ तो खुलेगा।
1%, 2%, 4%, 5% कुछ तो खुलेगा, एनर्जी है ही नहीं उसके अंदर। अब सर आप कोई भी एक जन आ जाइए, इसमें से पॉजिटिव का सैंपल निकाल के नेगेटिव का सैंपल लगाइए, पहले इसमें से निकालिए। तो बंदा है, अभी नेगेटिव का सैंपल लगा हुआ है जी, और डेड बॉडी मतलब डेड पर्सन के ऊपर। ये 100% आ गया, क्लियर है जी। जी सर, फोटो में कुछ तो एनर्जी, वो ऑरा होगी। okay. वो तो ऑरा को स्कैन करके बता रहे हैं ना, कलर से उसको मतलब नहीं है। मैं अभी फोटोग्राफ लेता हूँ, पेंटिंग वाली फोटोग्राफ। हाँ मैं क्या हूँ सर, पेंटिंग वाली फोटोग्राफ तो एक उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी डेड और अलाइव से है ही नहीं ना उसका संबंध। नहीं डेड और अलाइव से तो मतलब ही नहीं है ना उसका। नहीं बंदे की फोटो उतारते, फोटो उतार दें तो उसके चक्कर में क्या होगा सर, वो तो कलर की वो आएगी। हाँ, वो कलर की आएगी। हाँ आप पॉजिटिव अगर नेगेटिव चेक कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी इमेज तो चाहिए ना, उसकी ओरिजिनल इमेज चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो एस्ट्रोलॉजी में मेरे को लगता है कि आप नहीं डिफाइन कर सकते। लेकिन सर और इसके अंदर से लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है ये देख लीजिए। वो मैरिज योग से हम चेक कर सकते हैं सर, मैरिज योग है या नहीं उसको। जब जिंदा और मुर्दा का पता चल सकता है तो पॉजिटिव का सैंपल मैरिड और अनमैरिड का पता चलेगा। मैं उसका पॉजिटिव का सैंपल से लगाता हूँ सर, लेकिन हमारे को पता कैसे चलेगा कि ये अनुमान लगाया जाएगा। अब वो तो मेरे से ज्यादा शायद आप समझते होंगे। आपने क्या इसे मैंने आपसे प्रश्न किया वाला। अब आज के समय में शादीशुदा की क्या परिभाषा आप दे सकते हैं, क्या ये महिला शादीशुदा आज के टाइम में। सर ये प्रश्न आपने निरर्थक के साथ, नहीं निरर्थक तो नहीं है, एक तो आदमी सर ये 100% सामाजिक तौर पे एक गृहस्थी मान सकते हैं वो मान्यता जिसको और सामाजिक मान्यता नहीं है शादी नहीं तो फिर कितना नहीं जानकारी सर, लिविंग रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया था सर। वैदिक में भी तो यही है कि जब कोई एक जेंडर दोनों जेंडर रिलेशन बनाते हैं तो शादी होती है उसके बारे में। चलिए सर ये तो खैर बात टॉपिक से अलग है। इसमें और कोई फोटो देख लीजिए जो आपको लगता हो आदमी जिंदा है या एक्सपायर्ड है। मैरिज हो रखी है सर, पॉजिटिव में सैंपल मैंने लगाया।